कितना सामूहिक है, क्योंकि आज मैं बताऊंगी क्यों सामूहिक ज्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छा, अभी भी मेरा फोटोग्राफ ले लेना यहाँ से, आज आए क्या मिलना रहे फोटो आए ना भरपूर है। अभी ये फोटोग्राफ सब लोग ले ले, क्योंकि फिर मिलते नहीं है कि क्या आता है भरपूर। हाँ है, सब लोग एक एक फोटोग्राफ ले करके उसको कायदे से मड़ के घर में रखना चाहिए, कायदे की जगह रखो, ये नहीं इधर रख गया उधर रख गया, इससे नाराज हो जाते हैं। फोटो के अंदर में देवता लोग हैं, अभी बताती हूँ कौन से देवता, सारे देवता हैं। और फोटो से भी वाइब्रेशंस आते हैं, आप इधर उधर फोटो को रखेंगे तो अच्छा नहीं, उसका अपना प्रोटोकॉल है, उसकी अपनी प्रतिष्ठा है। किसी भी मूर्ति से ज़्यादा फोटो महत्वपूर्ण है, इसलिए कि अभी तक किसी भी इनकार्नेशन का या अवतरण का आज तक तो फोटो हुआ नहीं है ना, उसमें कुछ ना कुछ दोष आ ही गया है, इसलिए फोटो को बहुत संभाल के रखना है। और उसके अलावा उसकी, जैसे आप हिंदू हो मुसलमान हो जैसे भी हो, उसका थोड़ा पूजा अर्चन करना चाहिए, उसके आगे हाथ रखना चाहिए। जब उससे पूरा हम काम ले रहे हैं, फोटो से हम अपना कैंसर भी ठीक करेंगे, सब ठीक करेंगे, और फोटो को है कि कोई एक बार पोछेगा भी नहीं, उसमें धूल पड़ी हुई, तो ये कौन सा तरीका है भाई? जिस बैंक से सारा पैसा लेने का है उसका कुछ तो ख्याल करना चाहिए, नहीं तो छोड़ दो फिर बात को, नहीं करना तो मत करो, लेकिन करना है उसको समझदारी से। आप हिंदुस्तानी आदमी हैं, आपको मालूम है कि हमारे यहाँ किस तरह से हम हर एक चीज़ का व्यवहार करते हैं, कैसे हर एक चीज़ की इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। अगर अंग्रेज हो तो मेरी समझ में भी आवे, और उन पर इतने देवता लोग नाराज़ नहीं होते, मैंने देखा अंग्रेज लोगों पर, उनको तो अक्ल ही नहीं इस चीज़ की, मेरी तरफ पैर भी ऐसा करके बैठते हैं तो भी नहीं नाराज़ होते हैं, मैंने देखा है। देवता लोग खुद सोचते हैं, पर हिंदुस्तानी बैठ जाए तो फटा से आता है पैर। तो इसलिए समझ के फोटो को रख लिया, फोटो के आगे दोनों हाथ रखने से वाइब्रेशन आने लगता है।